वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम क्या हालचाल मेरे भाई लोग। यार गाइस आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मौला अली अलैहि सलाम शहादत वाकिया डॉक्यूमेंट्री बाय मेहरबान अली। एंड यस मुझे इस पे रिएक्शन करना ही था बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया इनके बारे में, बट मेहरबान अली की वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल होती है एंड बहुत अच्छे से समझ में आती है, दैट्स व्हाई मैंने कहा इस पे रिएक्शन करना बनता है। एंड जहाँ तक मुझे पता है ये मौला अली अलैहि सलाम फर्स्ट इमाम थे आई थिंक शिया मुस्लिम जो होते हैं एंड सुन्नियों के आई थिंक फोर्थ इमाम, जहाँ तक मैं सही कह रहा हूँ तो मैं गलत भी होता हूँ बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है आई थिंक फोर्थ थे। तो या अगर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट मुझे बता देने का। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को, सो लेट्स गो एंड चेक। 19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कुफा में पहुंचे तो जो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया, उनमें आपका कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम भी था। उसने जैसे ही इमाम अली अलैहि सलाम को देखा तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फैल को अंजाम दो। ये कह के आप मेहराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बरपा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज ही आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहि सलाम बाद अजान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ली पे पहुंचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा के आया था जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो उस मलून ने सजदे की हालत में आप पे वार कर दिया। जैसे ही आपके सर पे उस ज़र्ब का लगना था आपने फरमाया, फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बरपा हो गया, आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब सर पीटने लगे। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेके आए और कोई आपको जख्मी देख के शहद का शरबत लेके आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि उसके चेहरे पे मौत का डर है तो जो चाहने वाला इमाम के लिए शहद का शरबत लेके आया था आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले ये शरबत मेरे कातिल को पिला क्योंकि इसके चेहरे का डर ये बताता है कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। और सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी ना करे, अगर मैं इस जर्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही जर्ब लगाना, अगर एक जर्ब से ये बच जाए तो इसको आजाद कर देना, अगर उस एक जर्ब से ये मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती ना करना, इसके गुस्ल व कफन का एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से ना काटना क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ऐसे इंसान पे लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काट कर उसकी तोहीन करते हैं। फिर आप फरमाने लगे, हसन आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फज्र पढ़ाई और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेके जाने लगे। आपके मुकद्दस खून से आपकी सफेद दाढ़ी सुर्ख हो चुकी थी और जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म में फैलने लगा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही अपने चाहने वालों के साथ अपने घर के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अब्बास हसन हुसैन मेरे चाहने वालों को कहो कि यहीं से वापस चले जाएं क्योंकि मेरे जर्ब लगने की खबर मेरे घर पहले पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटियों के रोने की आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम सालहीन को अपने अपने घरों के लिए वापस पलटाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पहुंचे तो बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोने लगी, घर में कोहराम बरपा हो गया। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह के हर फैसले में मसलहत होती है,
बस आप बिस्तरे बीमारी पे आए, तबीब ने देखा तो रो रो के फरमाने लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में जहर फैल चुका है, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। ये बात जैसे ही कूफे की गलियों तक पहुंची तो नन्हे नन्हे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक पहुंचे और कहने लगे, या हसन या हुसैन, हमारे इमाम को हमारे हिस्से का दूध पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा नहीं होना चाहते। आप बिस्तरे बीमारी पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 का दिन गुजरा और 20 रमजान की रात आई, आपने फरमाया कि अब मेरे हुजरे में कोई भी नहीं आए, क्योंकि इस दुनिया के जिन्नात मेरी ज्यारत को आने हैं। जब 20 रमजान का दिन तुलू हुआ तो आपने फरमाया, हसन जाओ मेरे चाहने वालों को बुलाओ। जैसे ही आपके चाहने वाले आपके करीब पहुंचे, वो देखे इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से जर्द हो चुका है। आपने फरमाया, पूछो आज भी अली तुम्हारे साथ है, मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रस्ते जानता हूँ, पूछ लो, क्योंकि जब तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे तो बार बार पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। आपकी अकीदत मंजारों कतार रोने लगे। किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे जवाब लिया, कोई सिर्फ आपकी ज्यारत करता रहा। जब सारे लोग चले गए तो फिर आपने फरमाया, हसन हमारे पूरे खानदान को जमा करो। जब सारे खानदान के अफराद आ गए, आप फरमाने लगे, अब इस खानदान का वारिस हसन इब्ने अली है, जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना, जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना, ताकि इंसानों का खून ना बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर तक न देना, मेरा जनाजा ऊंटनी पे रख देना, पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह के दीन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेंगे कि इस अली की कब्र को खोद कर अली के जनाजे की तोहीन करें। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहाँ वो ऊंटनी रुके वहाँ मुझे तदफीन कर देना, और ये बात किसी को ना बताना तब तक जब तक अल्लाह खुद जाहिर न करे। फिर आपने अपनी बेटी अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था, तू हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। और फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, हुसैन तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। हुसैन तुम्हें कर्बला में 3 दिन का भूखा प्यासा रख के कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को, भाइयों को, साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। हुसैन हुसैन तुम्हारी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, हमारे घर की औरतों को इसी कूफे और शाह पे फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। हुसैन जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और अलविदा कहने बेबियों के खेमे में आओ, तो अपनी बहनों के बाजू चूम के ये कहना कि बाबा ने कहा था कि इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना, हर मोड़ पे अल्लाह के रसूल की नबुवत की गवाही देना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। घर में कोहराम बरपा हो गया। सब फरमाने लगे, या अली क्या हमारे साथ रसूल पाक हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमतुज़्ज़हरा मुझे लेने आए हैं। ये कह के आपने अपनी मुबारक आंखें बंद की और घर में मातम की सदाएं बुलंद हो गई और यूं हसनैन यतीम हो गए। आपकी शहादत के बाद आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। आपका जनाजा पीछे से हसन और हुसैन ने जैसे उठाया तो आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाने लगे और एक नूरानी ऊंटनी पे सवार कर दिया। हसन और हुसैन, जिब्राइल और मीकाइल
के अलावा किसी को खबर तक नहीं। खामोशी से उस उठने के पीछे चल ही रहे थे कि जैसे ही कुफे से थोड़ा सा आगे गए, एक चमकीले पत्थर पे वो ऊंटनी रुक गई। उस पत्थर को हटाया गया तो वहाँ एक कब्र पहले से ही बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के उस वली अली के लिए जिसके सदके मेरी कश्ती को निजात मिली। सलाम हो शेर खुदा, अल्लाह के वली, अल्लाह के घर में पैदा होने वाले, अल्लाह के घर में शहीद होने वाले मोमनों के अमीर अली इब्ने अबी तालिब पर। अली इब्ने अबी तालिब पर। अब्दुल रहमान यार, आखिर रीजन क्या थी, आखिर वजह क्या थी उन्होंने मौला अली अलैहि सलाम की हत्या कर दी, वो भी सजदे के टाइम पे, जब वो सजदा कर रहे थे, सर झुकाए खड़े थे, जहर से भरा हुआ तलवार उन्होंने उनके सर पे मार दिया और उनके शरीर में पूरा जहर फैल गया। बिकॉज उस सजदे के टाइम पे बिल्कुल नियत होते यार, सजदे में होते हो अल्लाह के। रीज़न बिल्कुल नहीं पता है, बिकॉज इसमें जो उनकी शहादत होगी उसके बाद का मंजर को एक्सप्लेन करा गया, उनके चाहने वाले जो थे उनको उन्होंने उनसे बातचीत करी, और भी जो बाकी लोग थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि वो प्लीज़ आप ना आइए, बिकॉज उनसे क्या होगा कि उनकी जो बेटी है वो जब वो रोएंगी तो उनके बाजू वाले जो लोग आएंगे वो आवाज़ सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मना भी कर दिया आने से, एंड जो उनके बेटे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनको उन्होंने बताया कि आपके साथ यही होने वाला है फ्यूचर में, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के लिए बने, मौला अब्बास आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बने, उनकी हेल्प उनकी मदद करने के लिए बने, सब कुछ बताया गया। एंड उन्होंने एक चीज़ और कही कि जब उनकी मृत्यु हो जाएंगी, जब वो बहुत सिंपल से बात है गुजर जाएंगे, तो उसके बाद उनकी उनका जो लाश है उसे दफनाया जाएगा तो किसी को नहीं बताना, सिर्फ चार लोगों को पता है आई थिंक ये बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, या आई थिंक इमाम हुसैन इमाम हसन आई थिंक जहाँ तक, या फिर मौला अब्बास, मुझे अभी आई थिंक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये दो लोग, एंड जिब्रील और मिकाइल, मिकाइल मिकाइल कौन है प्लीज़ मुझे बताना, फरिश्ते ही होंगे मे बी, लेकिन जिब्रील के बारे में तो मुझे पता है जहाँ तक, जिब्रील या आई थिंक फरिश्ते, तो या दैट्स इट। एंड किसने उन पे हमला करवाया वो सब बिल्कुल नहीं बताया, वो सब नहीं बताया, बस एक मंजर एक्सप्लेन कर गया शहादत के बाद का, उनको दर्द को बैन करा गया बिकॉज वो बहुत दर्द में थे, जहर पूरा शरीर में फैल रहा था। एंड बहुत सारे सवाल है तो प्लीज़ एक सवाल का जवाब देना कि आखिर किस क्या वजह थी, बिकॉज क्या ये मज़हब को लेके था, बिकॉज जो रसूलुल्लाह बी पी सोपोनी में मैंने सुना उनके अंडर में बहुत सारे लोग मुस्लिम बने थे, मुस्लिम का मज़हब कबूल करा था लोगों ने, उनमें से मौला अली अलैहिस्सलाम भी एक थे, एंड बहुत सारे लोग भी थे, बट कुछ लोग जिसे कहते हैं ना मुस्लिम सिर्फ नाम के लिए बने थे, मुस्लिम के कोई जिसे कहते हैं ना कि उनकी जो मतलब रीति रिवाज होती है वो कुछ भी नहीं पालन करते थे, सिर्फ नाम के मुस्लिम थे, उनमें से एक यजीद भी था मैंने सुना, सिर्फ नाम के मुस्लिम थे, बाकी पूरी सोसाइटी में गंदगी फैलाते थे वो, एंड स्पेशली इसलिए इमाम्स होते जो सबको बैलेंस रखते हैं, जितना भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो हर एक चीज़ होता है ना कि उनकी जो नींव होती है उसे मजबूत रखते हैं, अभी भी है 12th इमाम मैंने सुना है। तो या दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।